सो पानी के कुंड, जैसा कि आश्वासन दिया गया था हमें संतोष वर्मा जी द्वारा, वो अपनी स्वयं की कार के अंदर लेकर आए हैं। फिलहाल 7 कुंड लाए हैं और काफ़ी बढ़िया साइज भी दिख रहा है, मजबूती भी दिख रही है। सर आपको तो अभी 300 का आपने आश्वासन दिया था, तो ऑर्डर देके आया हूँ, ऑर्डर देकर 50 का, क्योंकि एक जो ये इसको पकने में टाइम लगता है। हाँ हाँ, और जैसा भी ऑर्डर बनते जाएंगे 15-15-10 कुंड तो वो अपने को देते जाएंगे तो बाढ़ में जहाँ जहाँ लगाना है जी, यहाँ पे जैसे भी नौजवान जानवर हैं उनको पानी के लिए, हाँ जो हमने अभियान छेड़ा था जी डिजिटाइजेशन के साथ, ये तो वो एक शतार्थ होगा जो आपसे मेरी बात हुई थी, कन्वीनमेंट हुआ था जी, उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। और मेरे वार्ड को जो बेजुबान जानवरों के विषय में जो लोगों को पूरे वर्ल्ड में मैसेज जाए जी, वो हम मैसेज भेजेंगे यहाँ से। देखिए क्या है, एक बात और, आपको थोड़ा जल्दी है जाने की अभी फिलहाल, पर मैं आपको एक बात बता के जाना चाहती हूँ कि कोई भी नेता क्यों ना हो, कोई भी पार्षद हो या प्रत्याशी हो, उसको संविधान का पालन करना होता है। और हमारा संविधान का आर्टिकल 51 ए बोलता है कि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखेंगे। तो आप जब यदि मान लीजिए कि आप रानी वर्मा जी यदि पार्षद बन जाते हैं ना, तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इंसानों की नहीं है, पशु पक्षी चिड़िया डॉग गाय गिलहरी सभी के लिए, कि आपके वार्ड के अंदर में कोई भी जीव जो है उसको किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो। कोशिश करूँगा पूरी जी, भी प्राणी मात्र तो है ही हमारे जीव जंतु हैं, जानवर हैं, और जो बेजुबान जानवर हैं उनके लिए स्पेशली जो अभियान हम आपके माध्यम से और आपने जो मुझे चैनल में जोड़ा, एक छोटा सा आपका तो मैं कार्यकर्ता बन गया हूँ। नहीं सर, और जहाँ जहाँ आप बोलेंगी और यहाँ पूरा वार्ड क्रमांक 43 से नहीं जी, जहाँ आप बोले पूरे इंदौर में जी, जहाँ मेरे लायक जो सेवा होगी मैं पूरा तत्परता के साथ और पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पशु प्रेमियों को ये जो 300 कुंड है ये को रखा वो फटाफट मिल जाए, ताकि वो भी अपने अपने एरिया के अंदर रखती हैं। आपको व्हाट्सएप भी करते हैं जी राजू भैया को। हाँ, टाइम लगता है कि ये मजबूती बहुत है, मजबूती बहुत अच्छी, ये मजबूती इसकी ऐसी है, आइए इसकी मजबूती ऐसी कि ये एक बार लगाया जाएगा ना तो मुझे लगता है कि 5-10 साल की छुट्टी, इतनी अच्छी मजबूती। सीमेंट से थोड़ा सा हम अटैच करवाएंगे नीचे, पक्का हो जाए, कोई उठा के नहीं ले जाए, बहुत बढ़िया। सीमेंट अटैच, अब आपकी भी सोच लड्डू टाइज हो गई है। देखो अपना तो ध्यान सभी रख लेते हैं जी, और जब हम जनप्रतिनिधि बनेंगे और एक दया का भाव जो आएगा लोगों में जी, हमारे प्रति जो अभियान चलाया जाएगा जी, वो एक मैसेज भी जाएगा और आम जनता जागरूक भी होगी जी, जी जी जो पशु प्रेमी हैं, जो अब जो मुख्य पशु प्रेमी, तो सर मैं एक बात और आपको बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे पूरे देश के 130 करोड़ नागरिकों को इन जीवों के प्रति दया भाव तो रखना पड़ेगा। ये जो जो डिविजन करा हुआ है ना कि ये पशु प्रेमी है, ये न्यूट्रल है, ये पशु हेटर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपकी ड्यूटी बनती है कि लोगों के दिलों में इन जीवों के प्रति प्रेम की भावनाएं जगाएं। और अच्छी बात है कि आपके माध्यम से मैं जुड़ा, और जो कुछ गलतियां मैं ऐसा हो रही थी। नहीं नहीं सर, आपकी कोई गलती नहीं, आप तो गलती जो कर रहे थे उसको एक झटके में सुधार रहे, तो इसलिए आपको शत-शत नमन। हम आगे इंतजार कर रहे हैं और कुंड का, और जैसे जैसे आते जाएंगे हम पेज पे भी दिखाते जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।